तो टॉप 10 के एक और एपिसोड में आप सब लोगों का स्वागत है। हालांकि ये एपिसोड में ट्यूसडे को रखता हूँ यानी टॉप 10 ट्यूसडे, लेकिन उस टाइम लोकी की ट्रेलर की वजह से कुछ झंझट पैदा हो गई इसलिए नहीं आया। लेकिन आज के इस वीडियो में हम टॉप 10 ऐसे कैरेक्टर्स की बात करने वाले हैं मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के अंदर जो गाया को बीट कर सकते हैं। गाया सचमुच एक बहुत ओवर पावर कैरेक्टर बन चुकी है इतने ज़्यादा कैरेक्टर्स की पावर्स को होल्ड करने के बाद, लेकिन इसके बावजूद भी बहुत से ऐसे कैरेक्टर्स हैं जो कि गाया को बीट कर सकते हैं एमसीयू में ही। तो आज के इस वीडियो में हम उन्हीं की बात करेंगे। ध्यान रखना, सिर्फ एमसीयू के कैरेक्टर्स की बात हो रही है, इसके बाहर की नहीं। यानी एक्समैन की कोई भी सीरीज या मार्वल की कोई भी मूवी उठा लो एमसीयू के बाहर की, तो उनकी बात हम नहीं कर रहे, एंड इवन डीसी की भी नहीं। तो इस बात का खास ध्यान रखना। तो आप ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो शुरू होने से पहले आप सब लोगों के लिए एक बहुत ही अमेजिंग सरप्राइज है। मतलब हाँ, हमने अपने सेकंड चैनल पे अवेंजर्स एंड डीसी के कुछ कैरेक्टर्स की स्पेशल स्किट तैयार किया है जो कि आपको बहुत पसंद आने वाली है। तो जाओ, डिस्क्रिप्शन में सबसे ऊपर लिंक है, आप चेकआउट करो। हम हर वीक ऐसा वीडियो भी आपके लिए लाने वाले हैं, तो सेकंड चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करके आना। खैर, फिलहाल हम बढ़ते हैं नंबर 10 की ओर। नंबर 10 पे है आयरन मैन। तो हमें पता है कि आयरन मैन कितना कूल एंड अमेजिंग कैरेक्टर है, लेकिन ये बात आपको भी पता है कि सिंपली अगर इनका बैटल हो विदाउट प्रिपरेशन टाइम तो आयरन मैन इसे बीट नहीं कर सकता। इसीलिए मैं आपको ये वाली वीडियो अपने रिकमेंड करूंगा अवेंजर्स वर्सेस गाया की, जहां पे हमने डिटेल में इन सब बातों को डिस्कस किया है। तो हाँ, इस वीडियो को देखने के बाद उस वीडियो को भी चेकआउट कर लेना, फिर आपको ये वाली लिस्ट और भी अच्छी तरह समझ आ जाएगी। तो आयरन मैन प्रिपरेशन टाइम के बाद आता है तो वो गाया का बहुत बुरा हाल कर सकता है। प्रिपेयर होने के बाद वो अपने डिफरेंट आर्मर्स को जनरेट कर सकता है, लाइक हल्क बस्टर लाइक कुछ बना दिया। इसके अलावा वो अपने डिफरेंट एआई को भी कंट्रोल कर सकता है, एडिथ की मदद से अनगिनत ड्रोन उसके ऊपर छोड़ सकता है, आयरन लीजन या फिर अपने मल्टीपल आर्मर्स का उसके ऊपर यूज कर सकता है। इतने ज्यादा आर्मर उसके खिलाफ होंगे कि गाया को कुछ समझ ही नहीं आएगा कि ओरिजिनल आयरन मैन कौन सा है। इसके अलावा भी प्रिपरेशन टाइम के बाद आयरन मैन के बहुत से एडवांटेज है, यानी कि मुझे ऐसा लगता है कि प्रिपरेशन टाइम के बाद आयरन मैन गाया को बीट कर देगा। गाया के पास भले बहुत कुछ हो लेकिन आयरन मैन का दिमाग कभी नहीं हो सकता। नंबर 9, कैप्टन मार्वल। कैरल डैनवर्स यानी कैप्टन मार्वल की मेन पावर है एनर्जी को मैनिपुलेट एंड एब्जॉर्ब करना। हालांकि गाया के पास भी कैप्टन मार्वल की पावर है, लेकिन ये बात मैं पिछले वीडियो में भी एक्सप्लेन कर चुका हूं कि गाया भले इन सब कैरेक्टर्स की पावर्स को यूज करना सीख जाए, लेकिन इनके फुल पोटेंशियल को अनलॉक करना गाया के बस में आई थिंक नहीं है। इसीलिए कैप्टन मार्वल की एनर्जी ब्लास्ट एंड गाया के एनर्जी ब्लास्ट में बहुत फर्क को हमें देखने को मिलने वाला है। ऊपर से गाया बहुत जल्दी नॉकआउट भी हो सकती है एंड गाया अपनी पावर्स को लिमिटेड अमाउंट तक ही यूज कर सकती है, लेकिन कैरल डैनवर्स की पावर इतनी जल्दी खत्म नहीं होने वाली है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात कि उसके स्पीड एंड रिफ्लेक्सेस भी नेक्स्ट लेवल है, तो वो एक दूसरे को मैच दे ही देंगे। बहुत से लोग ये बोल रहे थे कि मैंटिस की पावर से वो उसको बीट कर सकती है, बट मुझे ऐसा नहीं लगता। मैंटिस की पावर वो अगर कैरल के ऊपर यूज करने की कोशिश भी करती है तो कैरल अपनी स्ट्रेंथ से आई थिंक एस्केप कर जाएगी। मेरे लिए शायद कैरल गाया को बीट कर सकती है। खैर, आपका क्या ओपिनियन है कमेंट में जरूर शेयर कर देना। खैर, इसके बाद जो भी कैरेक्टर्स है वो तो मेरे लिए 100% उसे बीट करने वाले हैं। नंबर 8, डॉक्टर स्ट्रेंज। डॉक्टर स्ट्रेंज मास्टर ऑफ मिस्टिकल आर्ट्स है एंड इतने टाइम तक तो सोर्सर ऑफ सुप्रीम रह चुका है, इसीलिए उसका एक्सपीरियंस तो नेक्स्ट लेवल होगा ही, एंड इतने ज्यादा स्पेल्स का उसके पास नॉलेज भी है जो कि गाया के पास दूर दूर तक नहीं है। गाया के पास मैजिकल एबिलिटी नहीं हो सकती लाइक वांडा एंड डॉक्टर स्ट्रेंज, क्योंकि वो डीएनए में नहीं मिलती, उन्हें खुद सीखना पड़ता है। तो हाँ, गाया के बहुत से अटैक से डॉक्टर स्ट्रेंज एस्केप कर जाएगा अपनी टेलीपोर्टेशन एबिलिटी की हेल्प से या प्रोटेक्टिव फील्ड या मिरर डायमेंशन से उनको ब्लॉक करके। एंड जब गाया उसके ऊपर अटैक करने की कोशिश करेगी तो डुप्लीकेट आइकन जैसे स्पेल का वो यूज कर सकता है एंड गाया को ट्रैप कर सकता है थैनोस की तरह, क्योंकि थैनोस को इन्फिनिटी स्टोन की जरूरत पड़ी थी इसको छुड़ाने के लिए। इसके बाद क्रिमसन बैंड्स ऑफ साइटोरैक से भी उसका बुरा हाल कर सकता है। मान लो इसका कोई भी अटैक वर्क नहीं करता है तो मिरर डायमेंशन जिंदाबाद। मिरर डायमेंशन में वो गाया को ट्रैप कर दे तो गाया बहुत टाइम तक बाहर नहीं आने वाली, क्योंकि इसके पास जिन भी कैरेक्टर्स की एबिलिटी है वो कभी भी मिरर डायमेंशन से एस्केप नहीं कर सकते। इसीलिए मेरे ओपिनियन में डॉक्टर स्ट्रेंज उसकी मिरर डायमेंशन गाया का बुरा हाल करने वाली है। नंबर 7, थॉर। तो गॉड ऑफ थंडर यानी थॉर उसे बीट कर सकता है। हालांकि गाया के पास थॉर की भी पावर है बट लाइटिंग पावर को हमने यूज होते हुए नहीं देखा, और अगर स्ट्रेंथ एंड ड्यूरेबिलिटी आ भी जाती है तो अगेन की वो लिमिटेड टाइम तक ही उनका यूज कर सकती है एंड उस पोटेंशियल में नहीं जा पाएगी जितना थॉर की है। थॉर ने अपनी स्ट्रेंथ से गार्डियंस की स्पेसशिप को अपोजिट डायरेक्शन में मूव किया, ड्यूरेबिलिटी में 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस वाले इस न्यूट्रॉन स्टार के रेडिएशन को अपने ऊपर लिया है, तो गाया की ड्यूरेबिलिटी एंड स्ट्रेंथ इससे दूर दूर तक मैच नहीं होती है। खैर, थॉर की लाइटनिंग एबिलिटी उसके ऊपर असर नहीं दिखाने वाली है क्योंकि कैप्टन मार्वल की एनर्जी एब्जॉर्प्शन एबिलिटी से वो उसे एब्जॉर्ब कर सकती है, लेकिन जहां तक बात आती है उसके स्टॉर्म ब्रेकर की या म्योनिर की, तो वो उसके ऊपर भारी एडवांटेज दे सकता है। म्योनिर के टुकड़े करके वो उसे कंफ्यूज कर सकता है एंड स्टॉर्म ब्रेकर से उसे काट सकता है। बहुत से लोगों ने ये भी कमेंट किया था कि भले उसके पास लाइटनिंग पावर हो तब भी वो थॉर को नहीं हरा सकती, क्योंकि एक बंदे का कमेंट था कि अगर थॉर अपनी पावर दे भी सकता है थॉर लव एंड थंडर में तो ऑब्वियसली वो अपनी पावर ले भी पाएगा। तो आई थिंक थॉर ऐसा कर लेगा एंड इवन
अगर नहीं भी कर पाता है तो थॉर के ऊपर उसकी लाइटनिंग का कोई असर नहीं होने वाला है, इससे वो और ज्यादा चार्ज होगा सिर्फ। इसीलिए म्योनिर एंड स्टॉर्म ब्रेकर की हेल्प से मेरे लिए तो थॉर गाया को बीट कर देगा, या फिर तो बायफोर्स से या फिर तो म्योनिर को कंफ्यूज करके स्टॉर्म ब्रेकर से काट ही देगा उसे। नंबर 6 वांडा। स्कारलेट विच एमसीयू की सबसे पावरफुल बींग्स में से एक है क्योंकि ये कॉस्मोस में राज करने के लिए बनी है। इसके अलावा इसकी एबिलिटीज भी नेक्स्ट लेवल है, लाइक ये रियलिटी को मैनिपुलेट कर सकती है, अपने हेक्स मैजिक से कुछ भी कर सकती है, डार्क होल्ड का नॉलेज है इसके पास जिसकी वजह से ये डिफरेंट स्पेल्स को जनरेट कर सकती है एंड ड्रीम वॉकिंग नाम के स्पेल को यूज कर सकती है। वांडा इसके अलावा भी बहुत सी ऐसी एबिलिटीज जानती है जिसकी हेल्प से उसने एलुमिनाटिस का ये हाल कर दिया था, कमर ताज पे अटैक कर दिया था एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात कि उसने एनर्जी को एब्जॉर्ब करके मारा था कैप्टन मार्वल को, यानी अर्थ 838 की कैप्टन मार्वल को। इसीलिए मोस्ट प्रोबेबली गाया की एनर्जी को भी वो एब्जॉर्ब करने का पोटेंशियल रखेगी एंड गाया जितने भी अटैक उसके ऊपर कर ले वांडा उनसे आराम से डॉच करने वाली है या फिर तो अपनी प्रोटेक्टिव फील्ड से आराम से बच जाएगी। ऊपर से अमेरिका सेवेज का पंच को भी उसने सर्वाइव कर लिया था, तो आप समझ ही सकते हो कि वांडा तो नेक्स्ट लेवल बीइंग है इस कैरेक्टर के आगे। नंबर 5 गॉर द गॉड बुचर। तो थॉर का ये विलन गोर भी सचमुच बहुत ही पावरफुल कैरेक्टर है, लेकिन हाँ मूवीज में तो इसे पूरी तरह र्यून कर दिया गया, लेकिन कॉमिक्स में तो इसकी बात ही अलग है। लेकिन फिलहाल अगर हम एमसीयू की बात कर रहे हैं, क्योंकि ये पूरी लिस्ट मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के बेस के ऊपर है तो कॉमिक्स पे नहीं जाते हैं, लेकिन मूवीज में भी गोर का जलवा कुछ कम नहीं है। उसने थॉर एंड जेन से एक साथ फाइट किया है, मतलब थॉर अकेला उसे नहीं हरा सकता था। गौर इतना पावरफुल इसीलिए है क्योंकि उसके पास नेक्रो स्वॉर्ड है। नेक्रो स्वॉर्ड को खुद नल ने क्रिएट किया था ताकि वो सेलेस्टियल्स को मार सके एंड जो स्वॉर्ड सेलेस्टियल्स को मारने के लिए बनी है आप उसका पोटेंशियल तो जान ही रहे हो। नेक्रो स्वॉर्ड अपने यूजर की स्ट्रेंथ ड्यूरेबिलिटी रिफ्लेक्सेस एंड स्पीड को नेक्स्ट लेवल पे ले जाती है एंड इसके साथ साथ कॉन्स्टेंट मैटर मैनिपुलेशन प्रोवाइड करती है एंड इस स्वॉर्ड की सबसे खास बात यह है कि अपने यूजर को रीजनरेटिव हीलिंग फैक्टर प्रोवाइड करती है, मतलब आप गौर को कितना भी मार लो ये स्वॉर्ड उसे रीजनरेट कर ही देगी। इसके अलावा ये स्वॉर्ड खुद भी रीजनरेट हो सकती है जो कि इसकी मेन एबिलिटी है एंड डार्क एनर्जी मैनिपुलेशन इसके पास है इसीलिए वर्चुअल इमॉर्टेलिटी आपके पास आ जाती है एंड इन्हीं सब एबिलिटी की हेल्प से गौर उसका बहुत बुरा हाल कर सकता है क्योंकि मैटर मैनिपुलेशन जो चीज जान गई वो गाया का बहुत बुरा हाल कर देगी। नंबर 4 पे है हेला। अब हेला भी एक बहुत ओवरपावर्ड कैरेक्टर है एंड थॉर की बहुत इंपॉर्टेंट विलन है क्योंकि ये बहुत सी नेक्रो स्वॉर्ड्स को जनरेट कर सकती है अपने यूजर के ऊपर। लेकिन इस बात में कंफ्यूज मत होना कि ये गौर के नेक्रो स्वॉर्ड की जितनी पावरफुल है क्योंकि ये दोनों चीजें अलग अलग हैं। इसके अलावा उसने थॉर के हैमर को भी ब्रेक कर दिया था इस सीन में जबकि ये एस्कार्ड के बाहर थी, यानी एस्कार्ड के बाहर भी गाया का बहुत बुरा हाल ये कर सकती है। ऊपर से एस्कार्ड में वो तो इमॉर्टल बन जाती है एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि वो खुद ही गॉडेस ऑफ डेथ है, यानी गाया की दाल नहीं गलने वाली। हेला थॉर से बहुत ज्यादा गुना पावरफुल है क्योंकि एस्कार्ड एंड फिजियोलॉजी के अकॉर्डिंग जिसकी एज जितनी ज्यादा होगी वो उतनी पावर्स को होल्ड करेगा। तो हाँ, अगर गाया थॉर को बीट नहीं कर सकती तो हेला को कभी नहीं कर पाएगी। नंबर 3 सर्टर। तो फायर डिनम यानी सर्टर को बीट करना गाया के बस की बात ही नहीं है क्योंकि सर्टर फायर मैनिपुलेशन यूज कर सकता है, अपनी ट्वाइलाइट स्वॉर्ड की हेल्प से भी फायर को मैनिपुलेट करता है। पूरे एस्कॉर्ड को उसने डिस्ट्रॉय कर दिया था हेला के साथ ही, तो आप समझ सकते हो कि उसका कैरेक्टर लेवल कहां पे है। क्योंकि हाँ, अगर थॉर को बीट नहीं कर पाएगी, हेला को नहीं कर पाएगी, तो उसको क्या करेगी जो कि इनसे हजार गुना ज्यादा पावरफुल है, यानी फुली एटर्नल फ्लेम सर्टर। नंबर 2 ओडिन। तो अब ओडिन तो इन सबका बाप ही है, मतलब थॉर एंड हेला का तो है ही है, अगर हम सर्टर का भी कहेंगे तो कोई बड़ी बात नहीं है क्योंकि ओडिन ने अपने प्राइम में फुली एटर्नल फ्लेम यानी इस सर्टर को बीट किया है अपनी ओडिन फोर्स की हेल्प से। यानी आप कह सकते हो कि ओडिन में ऐसा बींग है जो कि गाया को बीट कर सकता है क्योंकि वो सर्टर जैसे बींग को सुला सकता है, तो गाया तो बहुत ही छोटी चीज है उसके लिए एंड एक स्काई फादर लेवल कैरेक्टर के लिए गाया जैसी बींग को बीट करना तो बहुत ही आसान है। खैर, अब हम बात करते हैं नंबर 1 की। आप लोग ये जरूर सोच रहे होंगे कि यार नंबर 1 पे कौन सा कैरेक्टर होगा क्योंकि अभी भी और बहुत से ओवरपावर्ड कैरेक्टर बचते हैं जो कि गाया को बहुत ही इजीली बीट कर देंगे, इसीलिए नंबर 1 पे वही है, यानी ऑल ओवरपावर्ड कैरेक्टर्स। तो अब वैसे तो हेला, ओडिन या फिर सर्टर जैसे बींग भी ओवरपावर्ड कैरेक्टर में ही आते हैं, लेकिन इनसे भी ज्यादा ओवरपावर्ड कैरेक्टर्स बहुत है एमसीयू में, तो वो सब नंबर 1 पे है। लाइक ही हू रिमेन्स, जिसने सब कुछ लिखा है एंड ये बहुत ही इजीली बीट कर सकता है गाया को। कैंग के बाकी वेरिएंट्स भी गाया से बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। इसके अलावा एरिशम द जज तो एक बहुत पावरफुल सेलेस्टियल एंड सेलेस्टियल्स का किंग है, तो वो भी बहुत आराम से कर देगा एंड बाकी जितने भी सेलेस्टियल्स है वो भी उसे बीट कर सकते हैं क्योंकि उनका लेवल ही अलग है। इसके अलावा इवन अगर हम ईगो की बात करते हैं तो वो भी एक सेलेस्टियल है, वो भी कर देगा। सेलेस्टियल स्टार लॉर्ड को भी मैं ऐड करना चाहूंगा क्योंकि उसके पास भी सेलेस्टियल पावर्स आ गई थी, तो वो भी कर देगा। इवन डॉर्मामू डार्क डायमेंशन का रूलर है एंड डार्क मैटर को भी मैनिपुलेट कर सकता है, तो गाया कुछ नहीं है उसके आगे। एंड इसके अलावा हमने इटर्निटी को भी एमसीयू में देख लिया है, तो वो तो नेक्स्ट लेवल ही बींग है। लिविंग ट्रिब्यूनल की भी एक झलक हमने देख लिया है, द मल्टीवर्सल लॉ तो बहुत ही बुरा हाल कर देगा गाया का। बाकी खैर, ये सब वो करेक्टर्स थे जो मेरे ओपिनियन में गाया को बीट कर सकते थे। खैर, आपको क्या लगता है आप अपनी पर्सनल लिस्ट हमें कमेंट में जरूर शेयर करके जाना। मैं जानता हूँ यार कि मुझसे बहुत से
ऐसे कैरेक्टर्स हैं जो कि मिस हुए होंगे, लाइक रॉनन द एग्जीक्यूटर का नाम भी अब मेरे मन में आ रहा है, एंड इसके अलावा भी बहुत से हो सकते हैं। तो एमसीयू के अंदर अगर और कोई मेजर कैरेक्टर मुझसे मिस हो गया तो सॉरी, एंड वो बात हमें कमेंट में जरूर शेयर करके जाना। एंड हाँ, उस किड वाले चैनल को जरूर चेकआउट कर लेना, जल्दी से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओ एंड फर्स्ट लिंक पे क्लिक करो एंड अमेजिंग वीडियो का मजा उठाओ। इसके अलावा अगर आपको ये वाली वीडियो पसंद आई होगी तो इस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब मार के बगल वाले बेल आइकन को भी जल्दी ऑन कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय।